ये छेड़खानी कर रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, भात बनाया है, दाल भी खा रहे हैं। भक्ति माता की जय, होगरा मैया की जय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करोरंगा क्वीन व्लॉग्स। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक हैं। तो रिया को आज आप देख रहे हो मेरे व्लॉग में, चंडीगढ़ से आ चुकी है और मम्मी पापा भी आए हैं। अभी हम शामा में हैं, पूजा का सामान लिया। आज हमारी पूजा है होकरा मंदिर में। बहुत टाइम बाद मंदिर है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बड़ा माता जी का मंदिर है, आपको होकरा मंदिर दिखाएंगे, तो चलते हैं जल्दी से। जय माता जी, जय माता जी, जय माता। बोलो भगवती मैया की जय, होकरा मैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे राधे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पिछले साल जून के महीने में होकरा मंदिर एक पूजा गई थी, जिसमें एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उसमें 10 लोगों की डेथ हुई थी और उनके नाम का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। आते जाते लोग यहाँ पे पूजा करके जाते हैं। बाकी आप रोड भी देख सकते हैं, खराब ही थी, सिर्फ यहीं पर पिलर्स लगे हुए थे, बाकी आगे सारी रोड खराब थी। गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी कोई काम नहीं किया गया इस रोड पर। अभी हम आधे रास्ते ही पहुंचे हैं, थोड़ी देर और लगेगी। और हमारे ड्राइवर है आज हीरू भैया, बाकी हमारे साथ जडबिल से आए हैं छोटी नानी। और आप तो बीच में भागे हैं, अभी कोई बात नहीं, नाना बैठे हैं पीछे से और लोग लटका गाड़ी के पीछे। और छोटे नाना भी आए हैं हमारे साथ आज। ये है मेरे नाना जी के छोटे भाई, मतलब मम्मी के चाचा जी। ऊपर रोड में गाड़ी खड़ाने के बाद अभी हम नीचे पैदल आए हैं, पैदल कच्चा रास्ता था उस रास्ते। और मेरे पीछे देख सकते हो मंदिर का गेट आ चुका है, मंदिर भी अब बहुत नजदीक है, जंगलों के बीच में मंदिर है, तो चलो चलते हैं। पापा और ताऊ जी लेके जा रहे हैं पूजा का सामान यहाँ पे, और बाकी सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ बनेगा खाना। अभी हम लोग मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, बाकी यहाँ पे हाथ पैर खुद धोने के लिए बनाया गया है, जो लोग नहाना चाहते हैं वो नहा सकते हैं यहाँ पे। जैसे पापा की वहाँ पे नहा रहे हैं, नहा के तो आए हैं पर उनको लग गया कि दोबारा नहा लो।
पूजा होने के बाद अब सब लोग यहाँ पे खड़म पाठ करने के लिए बैठ गए हैं, ताऊ लोग, पापा मम्मी। अभी छोटी मोटी पूजा हो गई है और खड़म पाठ भी किया था मैंने आज, तो अभी फिलहाल नीचे आई थी मैं क्योंकि कल रात से कुछ नहीं खाया था और पूजा तक कुछ भी नहीं खा सकते थे, तो जल्दी से अभी चाउमीन खाए हैं नीचे। और ऊपर अभी मंदिर में चल रही है, बकरे की बलि दी जा रही है जैसे कि होकरा मंदिर में दी जाती है आगे पीछे भी, और अष्टमी में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे क्योंकि ये मंदिर ही प्रसिद्ध है इस चीज़ के लिए। तो वीडियो तो मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि मुझसे खुद से नहीं देखी जाती है सब चीज़ें, तो फिलहाल सांस चढ़ रही है तो अभी ऊपर चलते हैं। ये है मेरी कविता भाभी जो कि तिमला बगट से है, आपने पहले भी ब्लॉग्स में देखे होंगे। हेलो भाभी। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। और बताओ क्या कहाँ है सब लोग? दिख नहीं रहे यहाँ पे, कहाँ गए? सब लोग ऊपर मंदिर में गए हैं। अच्छा, क्या हो रहा है? बकरी काट रहे हैं अभी। अच्छा, बकरी काट रहे हैं। आप नहीं देखते? नहीं, देखा नहीं जाता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, मेरी तरह ही। खाते हो? खाते थे। अच्छा, लेकिन देखा नहीं जाता। और यहाँ पे है मेरे बीच वाले ताऊ। क्या भगा रहे हो बंदर? हाँ। क्या कर रहे हैं? ये छेड़खानी कर रहे हैं, पूरी खा रहे हैं। हाँ। भात बनाया है, दाल भी खा रहे हैं। अच्छा। हाँ। हाँ। तब बंदर हका रहे हो? हाँ, बंदर बंदरों का, बंदरों के। और ये है मेरी भतीजी मोनिका, भाभी की बेटी। हेलो बोलो। हाँ। मोनिका हेलो करो। हेलो करो। ये नातनी है, नातनी अपने बुबू को परेशान कर रही है। सब लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे हलवा और पूरी खाने के लिए, देख सकते हैं आप सामने। खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो चुकी थी इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। उसके बाद अब सीधा हम आ चुके हैं घर के रास्ते के लिए जा रहे हैं। ये आ गया भगवती मंदिर, होकरा मंदिर का गेट, मेन गेट। हाँ जी, कैसा रहा आज आपकी पूजा? बहुत अच्छी पूजा रहा है, मौसम बढ़िया रहा, शाम के बारिश हुई, ठंडा ठंडा कुल मौसम हो गया है और पूजा बहुत अच्छी होगी और लोग भी आए थे। अच्छा जी, लास्ट में हम ही जा रहे हैं सब चले गए। बोलो भगवती मैया की, भगवती माता की जय, होकरा मैया की जय। तो खुशी से पता लग रहा होगा कि अच्छी पूजा हो गई है हमारी। अब जल्दी से चलते हैं घर। और ये कौन सा गांव है सामने? ये होकरा गांव है। होकरा गांव, कुड़ू होकरा है। देखो अब यहाँ से हमें रोड तक पैदल जाना ऊपर तक।
रात को कथा के बाद मैं सीधा आ गई थी तिमलाबगड़ अपनी ताई जी के घर। बहुत टाइम बाद आई हूँ यहाँ पे। माना है कि एक महीना हो गया मुझे गांव में, पर लेकिन मैं यहाँ पे नहीं आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब मम्मी पापा जा रहे हैं तो उनके साथ ही चले जाती हूँ। फिलहाल सुबह हो गई, कल रात को बहुत थक गए थे, खाना खा के जल्दी से सो गए थे। और आपको कथा वाला ब्लॉग कैसा लगा आप जरूर बताना। लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।